हेलो दोस्तों, वेलकम टू अग्गे अर्थमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है, जो कि वाटर की सरफेस पे हम जैसे कोई पेन वेन रखते हैं तो वो फ्लोट करने लग जाती है, वो किस कारण से करती है। आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पहले दो फोर्स को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स, जिसे हम कोहिजन और एडहेजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आप सबसे पहले कोहेसिव फोर्स को समझते हैं, जिसे हम कोहिजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसके मित्र लगता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच समान अणुओं के बीच। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं H2O में क्या होता है, O H H आपस में जुड़े होते हैं, फिर एक अदर मॉलिक्यूल होता है O H H, ये भी आपस में जुड़े होते हैं, और ये आपस में किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़ना हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, एडहेसिव क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ये होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, यानी कि इसे हम भी लिख सकते हैं भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला बल। जैसे जैसे हम कांच को ले लेते हैं, कांच कांच क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है, और जल H2O, तो इनके मध्य जो लगता है, ठीक है, जो फोर्स एक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है उसे एडहेसिव कहेंगे, और जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है उसे क्या कहेंगे, कोहेसिव। चलिए आप समझ लेते हैं कि कैसे करके ये वर्क करता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन, जैसे कि कैपिलरी एक्शन भी होता है इसी से, और सरफेस टेंशन का क्या चीज है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं, वाटर को हमने फिल कर दिया इस पे, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, ऐसी एक ऊपर होगा, यहाँ भी 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 होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के पास करूँ, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है, तो इस पर कैसे फोर्स करते हैं,
एक इस पे, मैं दूसरे उससे बता देता हूँ, एक इस पे इधर की तरफ करेगा, एक इस तरफ करेगा, एक इस तरफ करेगा, ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे चारों तरफ से होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इसको ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे हमने ये पॉइंट मान लिया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब इनमें फोर्स कैसे एक्ट करेगा, जैसे अगर मैं बीच, अगर मैं मान लीजिए एक पॉइंट और ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस पे फोर्स कैसे एक्ट कर रहा होगा, एक इस तरफ, इस वाले की बात करो, एक ऊपर वाला, एक इधर के स्ट्रेच कर इसे खींच रहा होगा, एक नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है, और ऐसे चारों तरफ से इसको खींच रहे होंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, मतलब जहाँ पर है वहीं पर फिक्स रहता है, ठीक है। अगर ऐसी ही हर एक मॉलिक्यूल पर होते रहता है, हर एक मॉलिक्यूल पर, ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक है, इसको अपनी पोजीशन पर फिक्स रखता है। अब देखिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, जैसे ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, इस पर देखिए नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है, इधर साइड की तरफ भी लग रहा है, इधर साइड की तरफ भी लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, इस तरफ भी लग रहा है, लेकिन क्या ऊपर की तरफ से कोई फोर्स आ रहा है, बताइए, नहीं, ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, देखिए इधर जो ये इस तरफ और इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो इधर वाला जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या होगा, एक दूसरे के पास करीब आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये मॉलिक्यूल भी इसको खींचेगा तो किस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। इधर वाला मॉलिक्यूल अपने तरफ खींचेगा तो सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ है नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो ये वाटर की ऊपर की सरफेस होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये टेंशाइल, एक जैसे ये है, ये था, ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपस में, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, ठीक है, लाइक अ टेंशन, ठीक है, टेंशन की तरह क्या होता है, ये आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल पास आ जाते हैं। और जब इसके ऊपर हम कोई वेट रखते हैं जो कि हल्का सा होता है, तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है, किस कारण से, सरफेस टेंशन के कारण से। और ये आपस में किस कारण से आए, कोहेजन के कारण, सेम मॉलिक्यूल H2O के, सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगा, कोहेजन लगा, आपस में चिपके, ठीक है, टेंशाइल हो गए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, क्योंकि ये टेंशन में आ गए थे ना, टेंशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई रस्सी को खींच रहा है तो ये रस्सी को अपनी तरफ भी खींच रहा है, ये इस तरफ भी खींच रहा है, ठीक है। जैसे रस्सी को हम, जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे हम रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी को इधर से मैं खींच रहा हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं खींच रहा हूँ, इधर से ये आप हैं, आप भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, तो किस में आया था, इसे क्या कहते हैं, टेंसाइल मोशन, ठीक है, ठीक है। तो टेंशन में आई थी रस्सी, खिंच जाती है, खींची हुई, ठीक है। ऐसे क्या होता है, जब वाटर, ये जो वाटर होता है, जब ये वाटर, ठीक है, वाटर की ऊपरी सरफेस पे
पे क्या होता है, जब ऐसे करके फोर्स लगता है, ठीक है, तो इससे क्या करता है, ये पूरी सरफेस आपस में कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और ये कनेक्टेड होकर क्या होता है, ये इतने वेट को संभाल सकती है, हल्के से हल्के वेट को संभाल सकती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसके कारण होती है, कोहेजन के कारण, ठीक है। कोहेजन के कारण क्या होता है, जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं टेंशाइल मोशन की तरह, ठीक है। तो उसके तरह कनेक्टेड हो जाते हैं, कनेक्टेड के कारण क्या होता है, हल्का सा हल्का भार उस पर रखने पर वो फ्लोट करता है। और आपने देखा होगा कि हम अगर वो फ्लोट कर रहा है जो, ठीक है, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, अगर हम उसको हल्का सा, जैसे मान लीजिए ये कोई पन्ना था, ठीक है, पन्ना इस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, अगर हम पन्ने को हल्का सा टच करेंगे, मान लीजिए उंगली से टच कर दिया ऐसे करके, ये आपका हाथ है, आपने हल्का सा टच करा, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ डूब जाएगा। अब ये डूबा क्यों, डूबा इसलिए क्योंकि कोहेजन के कारण क्या था, इसमें टेंशन टेंसाइल आ गई थी, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आंसर क्या हुआ था कि ये हल्का सा हल्का वेट सहन कर सकता था, जैसे ही हमने इस पर वेट डाला अपने हाथ से, तो क्या हुआ, वो जो कोहेजन के कारण जो आपस में कनेक्टेड थे वो क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो उस ब्रेक होने से क्या हुआ, वो पन्ना नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, जो नॉर्मल एग्जांपल है पेन विन का, ठीक है, उसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो आप सरफेस टेंशन समझ पाए, सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन का मतलब है कोहेजन के कारण, ठीक है। कोहेजन के कारण क्या होती है, ऊपरी जो सरफेस होती है, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है, टेंशन की तरह, ठीक है, कनेक्टेड हो जाती है। तो कनेक्टेड होने से क्या करता है, वो हल्के से हल्के वेट को सहन कर सकती है जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट करने पर क्या होता है, वो डूब जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके क्या होता है, कोहेजन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था सरफेस टेंशन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।